हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप लोग अपनी एलएलबी या फिर बीएएलबी डिग्री कंप्लीट करने के बाद लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं। यहाँ पर इमीडिएटली बात हो रही है, तो उस चीज़ को हम अपना डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, जैसा कि ये डाउट है, किसी कैंडिडेट ने पूछा है कि कैन आई प्रैक्टिस लॉ इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग माय एलएलबी डिग्री। तो गाइस, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो है आंसर रहेगा नो। आप लोग इमीडिएटली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो लॉ की, बिकॉज़ यहाँ पर जो है एक रिक्वायरमेंट है वो आप लोगों को फुलफ़िल करनी ज़रूरी है। इन्होंने बोला है कि यू नीड टू एनरोल विद द स्टेट बार काउंसिल। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को बताया है कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है वो स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट होता है। उसके बाद ही आप लोग जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद भी आप लोग डायरेक्टली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, इसके लिए भी कंडीशन है, आप लोगों को AIB एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और AIB एग्ज़ाम के बाद आप लोगों को इस एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। क्रैक करने के बाद अगर आप लोग इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आप लोगों को एक COP दिया जाता है, जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं। इसको पूरा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हम इसको बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप लोगों को ये मिल गया है तो इसके थ्रू जो है आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी इंटरवेंशन के। अगर कोई आप लोगों को बोलता है कि क्यों आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप लोग वो अपना जो प्रूफ आप लोगों को मिला हुआ है वो आप लोग शो कर सकते हो उनको कि मेरे पास एक वैलिड प्रूफ है, और आप लोगों के पास जो है अपॉर्चुनिटी आ जाती है प्रैक्टिस करने की। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहले जो है आप लोगों को फर्स्ट स्टेप फॉलो करना होता है, स्टेट बार काउंसिल के साथ एनरोलमेंट कराना। देन आप लोगों को जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्रैक करना होता है, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया है, टू प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया। तो कुछ स्टेप्स होते हैं गाइस, ये आप लोगों को बिल्कुल फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। अगर आप लोग इनमें से कोई भी एक स्टेप को मिस कर देते हो तो आप लोग जो है AIB का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे और प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, COP का एक बेनिफिट यही होता है कि आप लोगों के पास जो है फुल अपॉर्चुनिटी आ जाती है किसी भी कोर्ट में, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप लोग जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास COP नहीं है तो आप लोगों के पास कोई वैल्यूड प्रूफ नहीं रहेगा इसके अलावा, बिकॉज AIP एग्ज़ाम लिया ही इसीलिए जाता है ताकि आप लोगों को ये देखा जाए कि आप लोगों को कितनी नॉलेज है लॉ से रिलेटेड। फिर उसके बेस पर जो है आप लोग अगर एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो जिनको पता नहीं होता है कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट जो है वो कराना होता है नहीं कराना होता। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो वो भागते हैं कि सबसे पहला स्टेप तो ये फॉलो करना था, हमने तो मिस कर दिया। तो गाइज़, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग AIB 18 देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है अपना, अगर आप लोगों ने अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आप लोग जो है, या फिर BA LLB की कर ली है तो आप लोग सबसे पहले अपना स्टेट बार काउंसिल में, जिस भी स्टेट में आप लोग रहते हो वहाँ की स्टेट बार काउंसिल में अपना जो है एनरोलमेंट करा लीजिए, जहाँ भी आप लोगों को कराना है। ठीक है, फिर आप लोग AIB एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर AIB एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना, जो भी AIB 18 का होगा या फर्दर आप लोगों को देना है। तो गाइज़, अगर स्टिल आप लोगों को कोई भी क्वारीज है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर हमारे एक टेलीग्राम पर ग्रुप है लॉन टिप्स के नाम से, भी वहाँ पर भी अपनी क्वारीज को शेयर कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।